हेलो दोस्तों, अगर आप SSB, SSC, CGL या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज़ लोकेटेड इन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन हैं आपके पास भोपाल, ग्वालियर, उदय या जयपुर। कहाँ पर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी जयपुर। फर्स्ट मेट्रो रेलवे वॉज इनॉग्रेटेड इन कोलकाता। आपको बताना है कोलकाता में पहली मेट्रो रेलवेज का इनॉग्रेशन कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1982, 1987, 1984, 1990। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी 1984। डेट थी 24th of October 1984। इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। आपको बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश किया गया, कब उसकी बुनियाद डाली गई। ऑप्शन हैं आपके पास 1875, 1884, 1882 और 1880। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसको BSE से भी जाना जाता है, यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BSE, और BSE एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी याद रखें, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इन रिलेशन टू दियर हैबिटेट्स ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम इज नोन एज। पौधों की कम्युनिटी की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास सिनियोलॉजी, सिनिकोलॉजी, इकोलॉजी या इकोसिस्टम। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की दो कैटेगरीज होती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो दो कैटेगरीज हैं। ऑप्शंस इंडिगोट्रॉप्स एंड ज़ाइलोट्रॉप्स, निमिरोट्रॉप्स, ज़ाइलोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स एंड कैमोट्रॉप्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूसर्स होते हैं या प्लांट्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो लाइट और कुछ केमिकल्स को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वो दो कैटेगरीज हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में आती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी फोटोट्रॉप्स एंड कैमोट्रॉप्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। दी नाहर कटिया ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड इन। आपको बताना है नाहर कटिया ऑयल फील्ड कहाँ पर है। ऑप्शन हैं आपके पास गुजरात, बिहार, आसाम या मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी आसाम। आसाम में है नाहर कटिया ऑयल फील्ड, डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड के कहाँ पर हैं? ऑप्शन से आपके पास केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टाज वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। द वाटर बॉडी सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार इज नोन एज, आपको बताना है पानी के उस हिस्से का नाम जो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग अलग करते हैं। ऑप्शन है आपके पास 9 degree channel, 8 degree channel, 10 degree channel या इंदिरा पॉइंट। वाटर बॉडी सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी 10 degree channel, और ये बे ऑफ बंगाल में हैं। ये अंडमान एंड निकोबार को अलग अलग करती हैं। अंडमान एंड निकोबार मिलकर हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी बनाती हैं। विच इंडस्ट्री इज डेवलप्ड इन शहडोल एंड नेपा नगर, आपको बताना है शहडोल और नेपा नगर में कौन सी इंडस्ट्री डेवलप की गई है। ऑप्शन हैं आपके पास पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री या रबर इंडस्ट्री। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, यानी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। द रिक्टर स्केल ऑन विच इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वेक इज मेजर्ड वॉज डेवलप्ड इन, आपको बताना है रिक्टर स्केल जिससे भूकंप या जलजले की शिद्दत मापी जाती है वो कब बनाई गई। ऑप्शन हैं आपके पास 1933, 1932, 1935, 1939। कब बनाई गई रिक्टर स्केल। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी 1935। इसको बनाने वाले थे अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्लिस एफ रिक्टर एंड बेनो गुटेनबर्ग ने इस स्केल का आविष्कार किया। मसाई ट्राइब्स आर फाउंड इन, आपको बताना है मसाई कबीले कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ईस्ट अफ्रीका। कहाँ पाए जाते हैं मसाई ट्राइब्स। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी ईस्ट अफ्रीका। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड इज़, आपको बताना है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। ऑप्शन हैं आपके पास इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है दुनिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी ब्राज़ील। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उगाई जाती है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आपको बताना है पानी का आलमी दिन कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 22nd of December, 22nd of March, 18 April या 10th of May। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, यानी 22nd of March। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत एरिया के लिहाज से कौन सी है। ऑप्शन हैं आपके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो एरिया है वो है
42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स। हैदराबाद इन तेलंगाना इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, आपको बताना है हैदराबाद किस दरिया के किनारे पर वाक़ा है। ऑप्शंस हैं आपके पास, लूनी रिवर, गंदक रिवर, महानदी या मूसी रिवर। किस दरिया के किनारे पर है हैदराबाद? इसका जो सही आंसर है वो है पाडी यानी मूसी रिवर। द कावेरी रिवर राइजेज ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ, ऑप्शंस आर आरावली, द वेस्टर्न गार्ड्स, सतपुड़ा हिल्स, द ईस्टर्न गार्ड्स। द राइट आंसर इज पार्ट बी दैट इज द वेस्टर्न गार्ड्स। द लेंथ ऑफ कावेरी रिवर इज 805 किलोमीटर्स, इट्स सोर्स इज ताला कावेरी। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।